Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. Gokai. भ्राता, क्या ये आप हैं भ्राता धुनकारी? ओके बछड़े, भाई बंधु नहीं हूँ मैं तुम्हारा। मेरे लिए तो आप मेरे भ्राता ही। भ्राता, हाँ मैं हूँ, मैं ही हूँ तुम्हारा अधर्मी भाई। सही कहा था तुमने, नरक में भी जगह नहीं मिली मुझे। जब से मेरी मृत्यु हुई है तब से इसी कक्ष में बंदी हूँ मैं। किंतु भ्राता, मैंने तो पावन स्थल गया जाकर विधि विधान से तुम्हारी मुक्ति के लिए पिंडदान भी किया था। फिर भी कदाचित मैं इसी के योग्य हूँ। प्रतिफल मेरे को करो, मेरे सामने आते हैं प्रतिफल। वही जीवन, वही जीवन जीता जा रहा हूँ, और चाह के भी इससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तुम्हें स्मरण है, तुम मेरी सहायता करना चाहते थे। भ्राता, मैं तो केवल प्रयास कर रहा था आपकी सहायता करने का। यदि आपने चुनाव कर ही लिया है तो मैं विवश हूँ। मुझे क्षमा कर दो और मुझे इस प्रेत योनी से मुक्ति दिला। सहायता करो मेरी, सहायता करो। भ्राता, प्रायश्चित ही मुक्ति का पहला पग है। अब आप प्रायश्चित कर रहे हैं तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। कैसे कि गोकर्ण ने अपने भ्राता की सहायता? क्या उसे पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने का उपाय पता था? नहीं, गोकर्ण को ये नहीं पता था। और किसी महानतम से महानतम ऋषि मुनि और तपस्वी भी उसकी ये जिज्ञासा शांत नहीं कर सके। फिर एक दिन भोर में हे सूर्यदेव, आप और चंद्रदेव तो ईश्वर की आंखें, पाप पुण्य सबके साक्षी हैं। अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने भ्राता धुंधकारी को पिशाच योनि से मुक्ति दिला सकूं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आदित्याय विद्महे, प्रणाम सूर्यदेव। सहस्त्र किरण्य धीमहि तन्नो सूर्यदेव। मुझे ज्ञात है तुम अपने पापी भ्राता को पिशाच योनि से मुक्ति दिलवाने के इच्छुक हो। उसके लिए उसे जीवन में किए पाप कर्मों से मुक्ति पानी होगी। मुझे क्या करना होगा सूर्यदेव? और ऐसे पापी को पापों से मुक्ति भागवत सत्ता को श्रद्धा और निष्ठा से सुनने पर मिलती है। धन्यवाद सूर्यदेव। सूर्यदेव के कहे अनुसार गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया, जिसके लिए उसने सभी नगरवासियों को आमंत्रित किया। बस अब शेष था तो धुंधकारी को भागवत सप्ताह सुनने के लिए तैयार करना। सहायता का वचन दिया था और कर क्या रहे हो तुम? सदा के समान पूजा पाठ। भ्राता शांत हो जाइए, मैं जो भी कर रहा हूँ आपकी सहायता के लिए ही कर रहा हूँ। शांत हो जाइए भ्राता, भ्राता आपको इसमें योगदान देना होगा।
आपको पूरे सप्ताह पूरी एकाग्रता से श्रीमद् भागवत अर्थात श्री कृष्ण की लीलाएं सुननी होंगी, उनके भक्तों की कहानियां सुननी होंगी और आपको ये आशा जीवित रखनी होगी कि आप इस पिशाच योनि से मुक्ति पाएंगे। लेकिन मैं पिशाच हूँ, एकाग्र चित्त कैसे रह सकता हूँ? एकाग्रता पिशाचों के स्वभाव में नहीं है। भ्राता, अपने इस पिशाच रूप पर विजय पाकर अपने भीतर के भक्त को जगाना होगा, क्योंकि भक्ति की शक्ति सर्वोच्च होती है। करना तो मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन एक पिशाच होकर मैं एक स्थान पे कैसे टिक सकता हूँ? भ्राता, आप इस सात गांठ वाले बास में जाकर बैठ जाइए, इससे आपको एक स्थान पर टिकने में सहायता मिलेगी। श्री हरि, ओम हरि हरि हरि, ओम श्री हरि, ओम श्री हरि। ओम श्री हरि। भ्राता, हम आपको वैकुंठ ले जाने आए हैं। ये तुम्हारी ही कृपा है भ्राता, जो मैं मुक्त हो पा रहा हूं। हरि ओम हरि। नहीं भ्राता, ये मेरी कृपा से नहीं, ये प्रेत पीड़ा नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा और श्री कृष्ण के भक्तों की कहानियां सुनने से आपको मुक्ति मिली है। धन्यवाद भ्राता। जिस प्रकार नदी की पावन जलधारा अपने स्वच्छ जल के प्रभाव से सभी प्रकार के मैल को बहाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथाओं की धारा बहती है, तो उन कथाओं का श्रवण करने वाले भक्तों के मन वचन कर्म से जाने अनजाने में किए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्त गोकर्ण ने अपने भ्राता को मुक्ति दिलाकर ये प्रमाणित कर दिया। मुझे विश्वास नहीं होता, एकमात्र धुंधकारी को मुक्ति कैसे मिली? उन सभी भागवत कथा सुनने वाले को क्यों नहीं? जो तन मन से एकाग्र होकर श्रद्धा विश्वास और भक्ति भाव से भागवत कथा का श्रवण करता है, उसे मनोवांछित फल मिलता है। और वहाँ ऐसा केवल धुंधकारी ने ही किया, पिशाची मनोवृत्ति होते हुए भी धुंधकारी ने स्वयं को 7 दिनों तक ईश्वर भक्ति में डुबोए रखा। 7 दिनों तक उसने ना किसी को परेशान किया और ना ही कुछ खाया पिया, एक प्रकार से व्रत रख कर और सब कुछ भुला कर प्रभु भक्ति में रम गया, इसीलिए उसे मनोनुकूल फल की प्राप्ति हुई। जो भक्त निस्वार्थ भाव और पवित्र मन से भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनकी भक्ति स्वयं ईश्वर से भी बड़ी हो जाती है और वो मुक्ति पाकर ईश्वर में समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार आपको भी एकाग्रता से इन भक्तों की कथाएं सुननी है, तभी जिस प्रकार धुंधकारी को वैकुंठ वास मिला, उसी प्रकार आपको भी कैलाश लौटने का अवसर मिलेगा। पुष्पदंत जी, भक्तों की कथाओं का श्रवण धुंधकारी के समान आपको भी मुक्त करेगा। मुक्त तो मैं अभी हो जाऊंगा गणेश जी। स्वामी, स्वामी, देखा, उड़नछू हो गया मैं, इससे अभी क्या मुक्ति होगी? कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ
कुछ भी कर सकता हूँ, आनंद ही आनंद में रह सकता हूँ। रुकिए, रुक जाइए पुष्पदंत जी। अब हम क्या करेंगे गणेश जी, उन्हें लौटा कर कैसे लाएंगे? कथा नहीं सुनेंगे तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? चिंता मत कीजिए मौसी, इस कठिनाई का भी कोई हल अवश्य होगा। वो अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। किंतु वो लौटेंगे कैसे गणेश जी? एक बार देख तो लूं, कहीं गणेश जी मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। गणेश जी वो धुंधकार ही होगा जो भगवत की भक्त कथाओं से बदल गया, किंतु मैं वो पिशाच नहीं। मुझे आनंद आ रहा है इस योनी में, इसलिए मुझ पर इन कथाओं का कोई प्रभाव नहीं होगा। मैं पिशाच था और पिशाच ही रहूंगा, लौटने वाला नहीं हूँ। क्या गोकर्ण की कथा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? कभी कभी किसी बात का प्रभाव स्वयं नहीं समझ आता, अपितु अन्य किसी को समझाना होता है, जो अब मेरा दायित्व है। आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ओह, यह अंधकारी गुफा, ये उचित स्थान है मेरे छिपने के लिए। गणेश जी यहाँ अति शीघ्र कैसे पहुंच गए? मुझे कोई और स्थान ढूंढना होगा छिपने के लिए। चलो महापिशाच, उड़ चलो कहीं और। ये उचित स्थान है। गणेश जी, जहां जाता हूं वहीं पहुंच जाते हैं ये। गणेश जी अब इनसे बचने के लिए कोई और स्थान देखना होगा। उनका आभास तो यहीं कहीं हो रहा है, किंतु दिखाई नहीं दे रहे हैं पुष्पदंत जी। यहाँ भी नहीं। है यहीं कहीं, फिर भी मुझे चकमा दे रहे हैं वो। तो फिर मुझे भी एक बार पुनः गणेश से गजानन बन जाना चाहिए। स्वामी भोजन कीजिए, आपने 3 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? मुझसे नहीं खाया जाएगा। भोजन, स्वादिष्ट भोजन अवश्य खाऊंगा। स्वामी आप खाना चाहते तो अच्छी बात है, ये लीजिए। भोजन की ऐसी भूख, कहीं यही तो नहीं पुष्पदंत जी? जाओ,
जाओ लाती जाओ और लाओ। और लाओ, बहुत भूख लगी है, लाती जाओ जाओ। किंतु स्वामी, अब तो सारा भोजन समाप्त हो गया है। इनके पात्रों में तो भोजन है ना, ये खाऊंगा। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? माँ बाबूजी, ये क्या हो गया इन्हें? इतना असामान्य व्यवहार, समझ रहा हूँ मैं इस पर किसका प्रभाव है। पुत्र, ऐसे क्यों कर रहे हो पुत्र? उचित ही समझा था मैंने। और भोजन लाओ, भोजन भोजन, कहाँ है भोजन? ये स्थान ढूंढा है पुष्पदंत जी ने छिपने का। कहाँ है भोजन? और भोजन, फल ले लो, ताजे ताजे बढ़िया फल। पुष्पदंत जी इस रूप में मुझे पहचानते हैं, देखते ही फिर इधर उधर हो जाएंगे। ऐसा कुछ करना होगा जिससे उनका ध्यान ही ना जाए मुझ पर। ताजे ताजे बढ़िया फल, फल ले लो। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उन्हें, छोड़ो। फल दो। इतना फल कहाँ से आया इनमें? माँ पिताजी, इन्हें रोकिए ना, देखिए क्या कर रहे हैं। दूध। अरे आप सब क्या देख रहे हैं, रोकिए ना इन्हें। मिष्ठान, मिष्ठान दो मुझे, मिष्ठान दो मुझे। स्वामी रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? इनका व्यवहार तो मेरे एक परम भक्त जैसा है। मैं समझ गया कि कैसे इन्हें ठीक करना है। आप अवश्य कोई दिव्य पुरुष हैं, हे धर्मात्मा जी, मेरे पति पर जिस भी दुरात्मा का प्रभाव है उससे उन्हें मुक्त कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। चिंता मत कीजिए देवी, मैं इनकी भूख शीघ्र ही शांत करूंगा। बस उन्हें ये दे दीजिए, इन्हें खाते ही उनकी भूख भी मिट जाएगी और उनका भोजन भी पच जाएगा। धन्यवाद। लड्डू। अब आप कहीं नहीं जा सकेंगे पुष्पदंत जी। व्यक्ति का उसके स्वभाव के विपरीत आचरण उसके प्रति शंका को जन्म देता है।